24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इंतखाबी सरगर्मी नहायत ही अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका है। आज हम कमरहट्टी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दीदी न मोदी। आइए सबसे पहले कुछ यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे हम जान लेते हैं कि उनकी राय किधर है दीदी न मोदी बंगाल के लिए। आज हम लोग एक ओपिनियन ले रहे हैं कि दीदी का राज बंगाल में या मोदी का। हमारे कहने के मुताबिक सबसे बेहतर यही होगा कि मैं किसी राजनीति के आधार पर ये बात नहीं करूँ। आज के देश की तारीख में मोदी आज तक कुछ किए नहीं, बेचने के सिवा उन्होंने रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, LIC को उन्होंने बेच दिया और हम क्या क्या बेचेंगे। हो सकता है कि आखिरी में पूरे हिंदुस्तानियों को बेच करके उसमें चले जाए। उन्होंने कहा है ना कि हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, झोला लेकर चल देंगे, लेकिन हम जाने हम देंगे नहीं, झोला लेकर चल देंगे मैंने, यानी बेच करके हम लोग चले जाएंगे, हर चीज़ को वो बेच देंगे। सबसे बेहतर है कि दीदी को बंगाल में रहें, मोदी की जरूरत है बंगाल में। हम बंगला कर लिए, बंगला में ही रहना चाहिए, बंगला लोग है वही रहे। तो बंगाल को हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, बंगाल बंगाल है, बाहर बाहर ही है। चाहे बंगाल सरकार अलग है और उनका सब सरकार अलग है। दीदी ने आपने आपके लिए क्या ऐसा किया है कि हमारा चाहते हैं? हम दीदी का क्या चाहे, हमारा वाइफ 1,000 रुपया उनको देता है हर महीना, वित्त होता मिलता है, सब सुविधा उनको मिलता है, पार्टी को मिल जाता है, जो कई काम में हम उठा नहीं रहता, यही हम जानते हैं। हमको उनको ही चाहिए, परिवर्तन का बात हम नहीं जानता है। हम जो बिल्कुली है उनको नहीं जानते। लोग दिल्ली से आकर कह रहे हैं कि बंगाल में दिल्ली का मोदी का राज हो, तो कैसा रहेगा? राज आया तब से पेट्रोल डीजल हर एक चीज़ का महंगाई बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर भाईचारा उस सब खत्म हो जाएगा, मुसलमान हर एक चीज़ का फसाद मोदी का राज आने से और बर्बादी होगा। हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी का राज रहे, अब फिर ममता बनर्जी आए। अभी जो CRPF जो आया है दिल्ली सेंटर जो भेजा है, पहले हम लोग इलेक्शन बहुत देखे हैं, उस इलेक्शन में हम लोग देखते थे कि कुछ नेपाली थे, कुछ पंजाबी आते थे, कुछ राजपूत आते थे। इस तरह का CRPF तो एक तो भी नज़र नहीं आ रहा पश्चिम बंगाल में। जितने लग रहे हैं हमको चेहरा देखने से लग रहा है कि RSS के आदमी जो गुंडा को भेज दिया पश्चिम बंगाल। और रही बात मुद्दे की, यही बात कि दीदी जैसी तो कोई CMA नहीं है, पूरा 28 को राज्य है, 28 राज्य में ऐसी CM पश्चिम बंगाल की तरह कहीं पर कन्याश्री हो, रूपश्री हो, क्या नहीं दिए। रास्ता घाट का चल रहा है, रास्ता में हम लोग खट के खा रहे हैं। रात को आज हम बंगाल में 12 बजे रात को हो या 2 बजे रात में है, अगर लड़की अगर घर से निकली है तो अपने घर में सुरक्षित पहुँचे। आप कोई भी राज्य हो लड़की सही सलामत नहीं जाते। अच्छा योगी अभी आए थे, उन्होंने कहा कि बंगाल में टकला के बाद क्या कर रहे हैं, ऊट टकला उसको क्या समझ में आएगा, का काम नहीं करवाया आपका स्टेट। अभी तो हालत फिलहाल उसके UP में 2 बच्चे का पेट, इससे पहले 2019 में देख लीजिए 39 बच्चा को देख लो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के चक्कर में। इस तरह से तो बहुत कांड है, टकला का तो माता खराब हो गया। दाढ़ी मोज बढ़ाने से कोई अच्छा इंसान नहीं बनता, अच्छा इंसान उनका किरदार बनाता। हम लोग दीदी को छोड़कर किसी को वोट देने वाले नहीं हैं, इसलिए वो बहुत तकलीफ दे रहा है, उसको तो PM रहना ही नहीं चाहिए, PM रहना ही नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी को। वो सिर्फ दंगा वाली बात करता है, दंगा लगाने का आ गया कोई करता है, जहाँ भी जाता है वहाँ दंगा शुरू हो जाता है। वो दंगाबाजी पार्टी है, BJP पार्टी जो है दंगाबाज पार्टी, सबसे अच्छी पार्टी ममता बनर्जी। BJP की गवर्नमेंट आएगी तो हम बंगाल में 2 रुपये पर मिनट
फूट के हिसाब से बिजली आपको देंगे। मानसा जो है ना बहुत बड़ा चीजता है, मैं झंडा के आड़ में किस गंगा बढ़ा के लोग किसी चीज़ का जो है भला नहीं करते। जबकि पहला नंबर बात जुमला हमारे बंगाल में भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग जानते हैं कि बीजेपी पार्टी जाहिलियत पार्टी है। ये किस गंगा अर्थात ना गरीबों के तरफ देखता है ना उसकी भला सोचता है, खाली सोचता है कि फसाद हो और दंगा हो। और हम एक बात बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो ममता बनर्जी जो यहाँ का जो शेरनी है उसको शेरनी बोला जाता है, ये लोग इसके आगे जीरा गूला है, गूला इसको पाउडर बोला जाता है। ये लोग बंगाल में आके ये लोग गूला हो जाएगा, गूला ये लोग जीत नहीं पाएगा यहाँ, इसलिए कि गरीबों का हाय लगेगा ये लोग। ममता बनर्जी को हम लोग दिल से मानते हैं और ममता बनर्जी को ही हम लोग वोट देंगे। और हम लोग चाहेंगे कि ममता बनर्जी हम लोग का बंगाल में रहे और कोई दूसरा पार्टी ना आए। हम लोग चाहेंगे कि जैसे अमन होता मैंने हम लोग के यहाँ जितना भी आवाम है ये लोग भी चाहे कि हम इन लोगों को आने ना दे और ना कभी इन लोग को यहाँ पर लाए। ये लोग आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले लोग जो दिल्ली से चलकर बंगाल आ रहे हैं उनका कहना है कि अब की बार 200 पार। गलत बात है, अब की बार पार नहीं, ये लोग बाहर पूरा